छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है, पलटी यात्री बस, दो की मौत, चार यात्रियों की हालत गंभीर। रायपुर से बीजापुर जाते वक्त तेज रफ्तार के चलते हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 163 पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में बस में सवार दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चार घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार अधिक थी, टर्निंग पॉइंट में ड्राइवर को झपकी आ गई, बस अनियंत्रित हो गई और कुछ दूरी पर जाकर सड़क किनारे पलट गई। मामला जिले के बांगापाल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर से बीजापुर तक चलने वाली कुशवाहा ट्रेवल्स की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि बांगापाल थाना से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बीजापुर की तरफ हादसा हुआ है। हादसा सुबह करीब 5 बजे का बताया जा रहा है। इस मार्ग से गुजर रहे लोगों ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर बांगापाल थाना से जवान पहुंचे। हादसे में करीब 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। जवानों ने घायलों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उनका उपचार चल रहा है। SDOP तारेश साहू ने बताया कि फिलहाल मृतकों और घायलों के नामों की जानकारी अभी नहीं मिली है, पता लगाया जा रहा है, जानकारी मिलते ही देंगे। इस यात्री बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। SDOP ने बताया कि हादसे के बाद कुछ यात्री अपना सामान लेकर अपनी सुविधा अनुसार चले गए, कुछ वहीं मौके पर ही थे। उन्होंने कहा कि बस चालक को झपकी आ गई थी, इसी वजह से हादसा हुआ है। हादसे की खबर लगते ही क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने यात्रियों से उनका हाल जाना, साथ ही घटना की वजह भी जानी, साथ ही घायलों का बेहतर उपचार हो इसके लिए उन्होंने डॉक्टरों से भी बातचीत की।